बासी प्रखंड क्षेत्र के NH-31 से मलहरिया गांव की ओर जाने वाली मुख्यमंत्री सड़क पर मलहरिया चौक के समीप बनाए गए पुल आज ध्वस्त के कगार पर है, जिसके कारण चारपहिया वाहन को जाने में काफी कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। चार चक्का वाहनों को किसी तरह से लोग पास तो करा लेते हैं, किंतु हमेशा दुर्घटना होने की संभावनाएं बनी रहती है। वहीं दूसरी ओर मलहरिया आरयू से एकरा आरयू जाने वाली मुख्यमंत्री सड़क पर बने पुल का अप्रोच आधा से अधिक ध्वस्त हो गया है, जिसके कारण दोनों पुल पर बड़ी दुर्घटना घटने का खतरा मंडरा रहा है। 2017 में आई बाढ़ के दौरान दोनों पुल का अप्रोच आधा से अधिक ध्वस्त हो गया था, लेकिन 1.5 वर्ष से अधिक समय बीत जाने के बाद भी अभी तक किसी जनप्रतिनिधि ने इसकी सुध नहीं ली है और न ही अधिकारी इस बात को गंभीरता पूर्वक ले रहे हैं। पंचायत के पूर्व मुखिया कालिदास ने बताया कि अप्रोच कटिंग की जानकारी प्रशासन को दी गई थी, लेकिन उसके बाद भी अब तक कोई कार्रवाई इस संदर्भ में नहीं की गई। 2017 में जो बाढ़ आई थी वो रोड कट गया है, अभी तक न कोई प्रशासन, न कोई पदाधिकारी, न जनप्रतिनिधि, अभी तक इस रोड में जो है बहुत ज़्यादा दिक्कत है, गाड़ी घोड़ा जाने में दिक्कत है, बहुत सारे परेशानी है। इनके लिए हम लोग ग्रामीण मांग करते हैं कि रोड का जो है फिर इंडक्शन हो, रोड बने, ताकि हम लोगों का यातायात बढ़िया हो। माँ टोली वाला भी रोड खराब है, पुल के नीचे जो ये है अप्रोच है वो समूचा कट गया है, और यहाँ भी मतलब जनक शाह के घर के आगे एक पुल है, वहाँ भी रोड खत्म है। रोड तो देख रहे हैं खराब है, गाड़ी घोड़ा चलती नहीं है, दिक्कत हो रही है गाड़ी आने जाने में। और शर्मा टोली वाला रोड का, टोली वाला भी रोड का पुल के तरफ जो अप्रोच है जो है वो नीचे खबर दिया है, बहुत डैमेज है, दिक्कत होता है आने जाने में, आने जाने में दिक्कत हो रही है, ट्रैफिक जाम हो जाता है, ट्रैफिक जाम हो जाती है, दूसरी गाड़ी घोड़ा जो खेतों वेतों में जाती है, ट्रैक्टर फ्रैक्टर तो चलने में दिक्कत हो रही है, रास्ता गिरते गिरते बच गया। रोज यहाँ ऐसा स्थिति में हुआ था, गाड़ी पलटी करने वाला था, मतलब लोड गाड़ी, क्योंकि जगह नहीं थे, जगह रहने के कारण इसीलिए तो जगह इधर होता गाड़ी पलटी नहीं करता, गिरते गिरते बच गए हम लोग। यहाँ दोनों साइड कटा हुआ, हाँ दोनों तरफ